नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसिडिटी एक मेडिकल कंडीशन है और यह हम सबको कभी ना कभी हो जाती है, लेकिन जब इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, यह हमें बार बार होने लगती है, तो यह एक बीमारी का रूप ले लेती है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि हमारे शरीर में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उसके कारण ये सारी तकलीफ़ें शुरू होती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एसिडिटी का कारण क्या है, इसमें हम क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, इसमें क्या सिम्टम्स आ सकते हैं और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके कारणों पर चर्चा करेंगे। इसमें नंबर वन पे ये होता है पुअर ईटिंग हैबिट्स, और ये सबसे बड़ा कारण है एसिडिटी का। इसमें क्या होता है कि पेशेंट के खाने का पैटर्न सही नहीं होता, वो बहुत लेट नाइट डिनर लेता है, दो मील में यदि बहुत ज़्यादा गैप रखता है या ब्रेकफास्ट स्किप करता है, खाने को चबा चबा कर नहीं खाता है, खाना खाने के बाद कोई फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करता है, या ये हो सकता है कि वो ओवर ईटिंग भी कर रहा है। तो इन सब कारणों के कारण एसिडिटी हो सकती है। नंबर टू फैक्टर होता है लाइफस्टाइल फैक्टर। जब पेशेंट बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जीता है, बहुत ऑयली फैटी फूड, बाहर का प्रोसेस फूड खाने में बहुत ज़्यादा खाता है, और उसकी सेडेंट्री लाइफ होती है, और वो स्मोक करता है, अल्कोहल करता है, टी कॉफ़ी ज़्यादा लेता है, तो एसिडिटी हो सकती है। जिन लोगों को इंडाइजेशन की शिकायत है, या प्रेग्नेंट लेडी में, या ओवरवेट लोगों में भी एसिडिटी की समस्या हो जाती है। कभी कभी किसी मेडिकेशन के कारण भी एसिडिटी होती है, जैसे कि पेन किलर और एंटीबायोटिक्स हैं। एसिडिटी की समस्या ऑकेजनल तो सबको होती रहती है, लेकिन जब हफ्ते में 2 से 3 बार से ज़्यादा एसिडिटी की तकलीफ होने लगे तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। एसिडिटी के सिम्टम्स पेशेंट को तब फील होते हैं जब जो एक्स्ट्रा एसिड होता है वो फ्लो बैक होके पेशेंट के थ्रोट और माउथ में आने लगता है। इसमें नंबर वन सिम्टम ये होता है कि पेशेंट को हार्ट बर्न की शिकायत हो जाती है, जिसमें उसे छाती में और स्टमक में जलन महसूस होती है। नंबर टू सिम्टम होता है सार टेस्ट इन माउथ। जब पेशेंट को एसिड रिफ्लेक्स होकर मुंह में आता है तो उसके मुंह में बिटर टेस्ट की फीलिंग होती है, और पेशेंट को इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया और डिस्कम्फर्ट की फीलिंग होती है, और उसे ऐसा फील होता है कि उसका खाना स्टमक में, ईसोफेगस में रखा हुआ है जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग भी एक सिम्टम होता है। इसमें पेशेंट को लगता है कि ज़्यादा एसिड होने के कारण स्टमक बहुत फुल है और खाना उसका स्वेलो नहीं हो पा रहा है। दीगर एजिटेशन भी एक सिम्टम होता है। इसमें पेशेंट को स्टमक का खाना मुंह में आ जाता है, और इसके कारण पेशेंट को वोमिटिंग जैसी फीलिंग होती है, और ये कंप्लेन ज़्यादातर आफ्टर मील देखी गई है। इसमें हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं। इसमें नंबर वन पे हम अपर जीआई एंडोस्कोपी करवाते हैं, जिसमें एक पतली ट्यूब को मुँह के सहारे से चलते हैं, जिससे कि अंदर की कंडीशन का एग्जामिन किया जा सके। नंबर टू होता है बेरियम स्वैलो टेस्ट। इसमें पेशेंट को बेरियम का लिक्विड पिलाया जाता है और उसके चेस्ट और अपर एब्डोमेन का एक्सरे लिया जाता है, जिससे कि फिजिकल एबनॉर्मलिटीज मालूम हो सके। नंबर तीन पे है ईसोफेजियल मोनोमेट्री। इसमें पेशेंट की मसल्स की एक्टिविटी को देखते हैं कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है कि नहीं। और लास्ट है ईसीजी। जब पेशेंट को बहुत ही सीवियर चेस्ट पेन होता है तो ईसीजी करवा सकते हैं, जिससे कि हार्ट सिम्टम्स में और एसिडिटी में डिफरेंस कर सकें। इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जैसे GERD। जब पेशेंट को बहुत टाइम तक एसिडिटी बनी रहती है तो फूड पाइप के नीचे वाला रिंग अफेक्ट होता है, इसलिए उसमें पेशेंट को GERD हो जाता है। ईसोफेजाइटिस, मतलब पेशेंट को ईसोफेगस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ईसोफेजियल स्ट्रिक्चर, पेशेंट के ईसोफेगस जो होता है वो नैरो हो जाता है, उसके कारण उसको फूड को स्वैलो करने में प्रॉब्लम होती है। यदि पेशेंट की एसिडिटी के प्रॉब्लम को बहुत टाइम तक इग्नोर किया जाता है तो उसको ईसोफेगस में और स्टमक में अल्सर हो जाते हैं, जिन्हें हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अब हम यहाँ पर इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे। इसमें नंबर वन पर मेडिसिन होती है कार्बोवेज। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को मुँह में खट्टा पानी आता है, उसको बर्निंग इरिटेशंस रहती हैं, उसको चेस्ट में और एब्डोमेन में फुलनेस की फीलिंग होती है, और उसको पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है, उसको पंखा बहुत नज़दीक से चाहिए होता है, और इसके कारण उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती हैं। इस कड़ी में दूसरी मेडिसिन है नेट्रम्फॉस। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा एसिडिटी के कारण सार इरिटेशंस होते हैं, सार वोमिटिंग हो सकती है, उसको छाती में जलन होती है, और ये सारी कंप्लेंट उसको एम्प्टी स्टमक और सनलाइट में जाने से बढ़ जाती हैं। उसकी जो टंग होती है वो
कोटेड होती है और इन सब एसिडिटी के कारण उसको मुंह में छाले भी हो जाते हैं। इस कड़ी में तीसरी मेडिसिन है नक्स वोमिका। जैसे मैं आपको पहले के वीडियोस में मेंशन कर चुकी हूँ कि मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण जितनी तकलीफें हो रही हैं उनको नक्स वोमिका बहुत अच्छे से कवर करती है। तो यदि पेशेंट की ईटिंग हैबिट्स प्रॉपर नहीं है, वो लेट सोता है, अल्कोहल लेता है, स्मोकिंग करता है, तो जो एसिडिटी प्रोड्यूस होती है वो नक्स वोमिका से बहुत अच्छे से क्योर हो सकती है। इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा सारनेस तो लगेगी लेकिन उसको वोमिट करने की इच्छा होती है लेकिन वोमिट हो नहीं पाती है। और पेशेंट को एक जो इसका सेंसेशन या इसकी जो सिम्टम है वो बहुत मार्क्ड होता है। पेशेंट को हेवी ब्लॉटिंग फील होती है अपर एब्डोमेन में और उसके कारण उसको गैस्ट्रिक की समस्या भी होने लगती है। इसमें नेक्स्ट मेडिसिन है रोबिनिया। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी होती है, जब सारे सिम्टम एसिडिटी के मैच करते हैं लेकिन उनकी डिग्री बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है और पेशेंट को एसिडिटी के साथ हेडेक भी फील होगा। इस कड़ी में लास्ट मेडिसिन है पल्सेटला। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट ने बहुत हेवी डिनर कर लिया है, बहुत फैटी फूड खा लिया है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में उसको एसिडिटी की तकलीफ होनी ही है और उसमें साथ में पेशेंट को बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न होता है, उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, उसका मुंह बहुत सूखा सूखा रहता है लेकिन फिर भी उसको पानी पीने की डिज़ायर बिल्कुल नहीं होती है और उसके टंग पे, उसके माउथ में एक ग्रीजी टेस्ट होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक योगिक क्रिया डिस्कस करना चाहूँगी जिसे हम कुंजल क्रिया कहते हैं। दोस्तों जब हम योगा सीख रहे थे तो हमें एक चीज़ कही गई थी कि जब जब ऋतु परिवर्तन होता है, साल में 3 से 4 बार ऋतु परिवर्तन होता है, तो ऋतु परिवर्तन या चेंज ऑफ वेदर के साथ हमारी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है और एडजस्ट नहीं कर पाती है तो कई चीज़ें आती हैं। एसिडिटी हो सकती है, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स हो सकती हैं, कई तरह की कंप्लेंट हो सकती हैं। तो उस टाइम एसिडिटी से बचने के लिए आप कुंजल क्रिया कर सकते हैं। कुंजल क्रिया में बहुत ही आसान तरीका है। सुबह सुबह जब आपको खाना खाने के 8 या 10 घंटे हो चुके हों, आपका पेट खाली होना चाहिए, एक जग या 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी करना है और उसको धीरे धीरे करके पीना है और उसको फिर आपको अपनी फिंगर के अपनी इंडेक्स फिंगर को यहाँ तक ले जाने के बाद वो अपने आप ही बाहर आने लगेगा पानी। उससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा एसिड होता है वो मॉर्निंग में ही बाहर निकल जाता है। लेकिन इसमें बस एक बात ध्यान रखने की ये है कि पेशेंट को ये चीज़ें वो डेली बेसिस पे नहीं करनी है, उसको ऋतु परिवर्तन के टाइम पे करना चाहिए या कोई कंप्लेंट आ रही है तो तब कर सकते हैं। और जिनको पेप्टिक अल्सर हैं, जिनको स्ट्रक्चर्स हो गए हैं, जिनको हर्निया है या प्रेगनेंसी की कंडीशन में या हाई बीपी वाले लोगों को ये चीज़ अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। दोस्तों यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपकी एसिडिटी की कंप्लेंट को ठीक करने में, उसकी समस्या को समझने में हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, माय चैनल। थैंक यू।